आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बने हैं जो 1989 बैच के इप्स ऑफिसर हैं। शुक्रवार की देर शाम उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही आलोक राज ने बिहार के पुलिस कर्मियों को संदेश देते हुए कहा कि हम सभी जिम्मेदार पूर्वक काम करें। रिस्पांस टाइम जितना कम होगा पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। आप अपराधियों जो भी कार्रवाई करें वो सार्थक और अपराधियों में कार्रवाई को लेकर खौफ हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य के प्रति जब तक ईमानदार नहीं होंगे तब तक जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकेंगे। हमारा उद्देश्य समय से अनुसंधान करके कांडों में आरोप पत्र प्रस्तुत कर स्पीडी ट्रायल से अपराधियों को सजा दिलाएं। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना। वही बिहार की जनता को नए डीजीपी से एक उम्मीद है कि बिहार में अपराध को कंट्रोल करते हुए अपराध मुक्त बिहार बनाए। सर्वप्रथम तो मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और मैं बिहार वासियों को यह कहना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय कक्ष ये बिहार वासियों के लिए खुला है। मेरा ये उद्देश्य होगा कि मैं बिहार वासियों का डीजीपी बनूं। बिहार के लोग अपनी किसी भी वैधानिक समस्या के लिए मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पदाधिकारियों के पास जा सकते हैं और मेरा ये उद्देश्य होगा कि हम आम जनता का सहयोग प्राप्त करें और अच्छी पुलिस व्यवस्था उनके लिए प्रदान कर सकें। आप सभी के माध्यम से मैं अपने सभी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को एक संवाद देना चाहता हूं, पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी 6 मूल मंत्र लेकर काम करें। 6 स की मैं बात कर रहा हूं। समय अर्थात रिस्पांस टाइम जितना कम होगा पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। स से सार्थक, अर्थात आप जो भी कार्रवाई करें वो सार्थक हो, वो नजर आए कि कार्रवाई हुई है, अपराधियों में खौफ आए कि पुलिस ने कार्रवाई की है। स से संवेदनशीलता, मेरी अपेक्षा होगी कि मेरे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी संवेदनशील हों और पीड़ितों के प्रति विशेष तौर पर उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। कोई पीड़ित व्यक्ति, पुरुष या महिला, कोई भी उनके सम्मुख अगर आता है अपना कंप्लेन लेकर, अपनी शिकायत लेकर, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसकी बातों को सुने और संवेदनशीलता बरतें। इसके बाद आती है शक्ति। यदि हम शक्ति नहीं रखेंगे, हम सशक्त नहीं होंगे तो अपराधी हम पर भारी होगा। शक्ति लाइए, अर्थात हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपराधी हमसे खौफ खाएं, और यह तभी संभव है जब पुलिस में हम शक्ति स्वरूप काम करेंगे। अगला स है सत्यनिष्ठा, क्योंकि यदि हम सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तो हम से जो अपेक्षा है बिहार की जनता की, समाज की, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद सभी कार्रवाई के उपरांत जो अंतिम स है वह है स्पीडी ट्रायल, क्योंकि हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि अनुसंधान करके हम समय से कांडों में आरोप पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाएं। तो हमारा फोकस एरिया होगा प्रिवेंटिव पुलिसिंग, अर्थात निरोधात्मक पुलिसिंग की कार्रवाई। हमारा फोकस एरिया होगा अपराधियों पर रोकथाम, उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। और तीसरा फोकस एरिया होगा हमारा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाना।